दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सभी ऑयल टैंकर्स गोल ही क्यों होते हैं, या फिर ये कि जैसा हमें फिल्मों में दिखाते हैं, क्या सच में सांप दूध पीते हैं? अच्छा, क्या आप उस महिला का किस्सा जानते हैं जिसने गलती से 32 लाख लोगों के इंटरनेट कनेक्शन को काट दिया था? नहीं सुनाना? इसीलिए तो आते हैं हम हर शुक्रवार सिखाने आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग इस ऑसम वर्ल्ड के बारे में। लेकिन इससे पहले कि आज की ये वीडियो शुरू करें, आपको बता दें कि अब हम आपका योर ओन फैक्ट चुनेंगे फैक्टिफाइड हिंदी के फेसबुक ग्रुप से। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें और भेजे हमें कुछ ऐसा जो कर दे सबको फैक्टिफाई। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, एक बार फिर कानों में हेडफोन्स और दिल में उत्सुकता लिए बिना जरा भी और देरी किए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर वन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सभी ऑयल या फिर पानी के टैंकर्स गोल आकार के ही होते हैं, कभी भी ये क्यूबिकल या फिर बॉक्स टाइप में नहीं होते। जबकि क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाने से टैंक की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी इन टैंक्स को सिलेंड्रिकल ही बनाया जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल दोस्तों, जब भी किसी लिक्विड को कैरी करने की बात आती है तो प्रेशर की वजह से ये लिक्विड खुद को कैरी करने वाली बॉडी के कॉर्नर्स पर बहुत स्ट्रेस डालता है, जिसके चलते टैंक के इन कॉर्नर्स में क्रैक आने या फिर लिक्विड के लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं इन गोल टंकियों में कोने होते ही नहीं, जो इस टैंक के लिए किसी भी प्रेशराइज्ड गैस या फिर लिक्विड को कैरी करना और सुरक्षित बनाते हैं। इसी कारण हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर भी सिलेंड्रिकल होते हैं। साथ ही एक गोल टैंकर पूरे ट्रक को एक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफर करता है, जो इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा देता है। इन सब के अलावा गोल टैंकर्स को खाली करना भी आसान होता है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, अभी तो ऐसे फैक्ट्स और भी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना मत जाना। फैक्ट नंबर टू। दोस्तों, आपने भी फिल्मों या फिर नागपंचमी के दिन सांपों को दूध पीते हुए देखा होगा, लेकिन क्या सच में सांप दूध पीते हैं? क्या दूध उनकी खुराक का हिस्सा है? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सांप कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं और दूध नहीं पीते। कभी आपने किसी सांप को अपने बच्चे को दूध पिलाते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि जीवों में माँ का अपने बच्चों को दूध पिलाना मैमल्स यानी कि स्तनपाई जानवरों का ट्रेट है, रेप्टाइल्स का नहीं। तो अब आप पूछेंगे कि नागपंचमी के दिन ये सांप दूध कैसे पी जाते हैं? तो आपको बता दूं कि ये करामात होती है हमारे सपेरों की, जो इन बेचारे बेजुबान सांपों को पकड़कर नागपंचमी से पहले कई दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं। जब नागपंचमी के दिन इन सांपों को निकाला जाता है, तब ये भूख प्यास से त्रस्त हो चुके होते हैं और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दूध को पानी समझकर पी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैमल्स की तरह स्नेक्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टेज नाम का एंजाइम नहीं होता, जो दूध को पचाने के लिए जरूरी होता है, और इस कारण ये दूध सांप को फायदा नहीं बल्कि उसके लिए नुकसानदायक ही साबित होता है, और कई केसेस में तो सांप की मौत भी हो जाती है। अगर यकीन ना हो तो आप अपने लेवल पर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। फैक्ट नंबर थ्री। दोस्तों, एक समुद्री जहाज को चलाने में उसका इंजन और प्रोपेलर मिलकर काम करते हैं, लेकिन ऐसे भी मौके आते हैं जब इन जहाजों को समुद्र में एक जगह रुककर वेट करना पड़ता है। तो क्या आप जानते हैं कि समुद्र में चलने वाले इन मेगा शिप्स को पानी में रोकते कैसे हैं? अगर नहीं तो अभी जान जाएंगे। दोस्तों, ये मुमकिन हो पाता है इन एंकर्स की मदद से, जिन्हें हिंदी में लंगर कहते हैं। ट्रेडिशनल एंकर्स कुछ ऐसे दिखते थे, लेकिन तकनीक के विकास के साथ साथ इनकी बनावट में बदलाव आते गए। सैद्धांतिक तौर पर ये सभी एंकर्स एक ही तरह से काम करते हैं। जब किसी शिप को पानी में रोकना होता है, उसके इंजन को बंद कर दिया जाता है और लंगर डाल दिया जाता है। ये लंगर कई टन भारी होता है और इसके काम करने के लिए शिप पर एक एंकर विंडलास मशीन होती है, जो मोटी मोटी लोहे की चेन की मदद से लंगर को पानी में डालती और खींचती है। पानी में डालने के बाद करंट की डायरेक्शन में खींचने पर ये लंगर सीबेड में फंसता जाता है और मजबूत चेन के बूते शिप को एक ही जगह थामे रखता है। चलने के वक्त शिप को लंगर की तरफ बढ़ाकर इसकी चेन धीरे धीरे खींची जाती है और फिर इसके सीधे ऊपर आकर इसे खींचना शिप के विंडलास सिस्टम के लिए मुश्किल नहीं रह जाता। तो कुछ समझे। फैक्ट नंबर फोर। दोस्तों, कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कहा तो फैंस के इमोशन भर भर के बाहर आए। तो लो, आज हम पेश करते हैं MSD स्पेशल फैक्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ह्यूमन आई को ब्लिंक करने में 400 मिलीसेकंड्स का वक्त लगता है, लेकिन हमारे माही ने सिर्फ 80 मिलीसेकंड्स में ही स्टंप आउट करके बैट्समैन की गिल्लियां बिखेरी हैं। अक्टूबर 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच में धोनी ने KMA पॉल को 80 मिलीसेकंड्स में स्टंप आउट करके
अपना ही पुराना 90 मिलीसेकंड्स के स्टंप आउट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में ये आज तक की सबसे तेज स्टंपिंग है। चाहे मुश्किल वक्त में टीम के डिसीजंस लेना हो या फिर ग्लव्स पहने विकेट्स के पीछे, धोनी से तेज कोई नहीं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जॉर्जिया की कबाड़ चुनने वाली एक वृद्ध महिला ने गलती से एक पूरे के पूरे देश का ही इंटरनेट काट दिया था? कैसे, अभी बताता हूँ। दरअसल हुआ क्या कि मार्च 2011 में 75 साल की एक बूढ़ी औरत जॉर्जिया की राजधानी ब्लीसी से कुछ दूर जमीन से कबाड़ चुन रही थी। उस दिन उसे जैसे खजाना मिल गया था। उसने जमीन से कई किलोग्राम कॉपर खोद निकाला, लेकिन इस खुदाई के दौरान उसका फावड़ा गलती से एक अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर केबल पर लग गया और पड़ोसी देश आर्मेनिया के 90% लोगों का इंटरनेट कट गया। दरअसल आर्मेनिया का लगभग सारा इंटरनेट जॉर्जिया ही प्रोवाइड करता है और इंटरनेट कनेक्शन इन हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ही दिया जाता है। इस केबल के डैमेज होने के बाद 5 घंटे तक आर्मेनिया का 90% इंटरनेट बंद रहा। अजरबैजान और जॉर्जिया के कुछ इलाकों की कनेक्टिविटी भी कट गई, जिसके बाद फॉल्ट ढूंढकर इसे वापस से रिपेयर किया गया। उस महिला को मौके पर ही सिक्योरिटी टीम ने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन उनकी उम्र के चलते उन्हें कुछ सवालों के बाद छोड़ भी दिया गया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ऐसा शायद ही कोई प्रोडक्ट हो जो आज इंटरनेट पर नहीं बिकता। लेकिन क्या आप इंटरनेट पर बिकने वाली पहली चीज के बारे में जानते हैं? वो पहला प्रोडक्ट कौन सा था जिसे ऑनलाइन बेचा गया? नहीं जानते तो बता दूं कि इंटरनेट पर की गई पहली डील 1971-72 में स्टैनफोर्ड और MIT के कुछ स्टूडेंट्स के बीच हुई थी। और जानते हैं इस डील में प्रोडक्ट क्या था? वीड, जी हाँ, जिसे मैरिजुआना, बांग या कैनबिस भी कहते हैं, इंटरनेट पर बिकने वाली सबसे पहली चीज थी। वही कई जानकार इसके इलीगल होने और इस डील में पैसों की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ना होने के चलते इसे एक ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन नहीं मानते। लेकिन इंटरनेट से फैसिलिटेटेड ये दुनिया की फर्स्ट बिजनेस डील जरूर थी। क्यों, था ना कुछ अलग? तो अगर आप इस सफर पर हमारे साथ पहली बार निकले हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्टिफाइड हिंदी YouTube चैनल ऐसे ही इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स के लिए। साथ ही इस इन्फॉर्मेशन को खुद तक सीमित ना रखें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी कर दें फैक्टिफाई। खैर अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों लीनिंग टावर ऑफ पीसा का नाम तो आप सबने सुना होगा। इटली के पीसा शहर के पास एक फ्री स्टैंडिंग बेल टावर जो अपने 4 डिग्री के झुकाव के कारण दुनिया भर में मशहूर है और एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी ज्यादा टिल्टेड बिल्डिंग हमारे अपने देश में मौजूद है, लेकिन आप शायद उसका नाम ना जानते हो। यह है बनारस के मणिकर्णिका घाट पर स्थित 43 फीट ऊंचा रत्नेश्वर मंदिर, जो काशी करवट के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मंदिर झुका है पूरे 9 डिग्रीज पर, लेकिन फिर भी इसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा ही बनाया गया था तो बता दें कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल 1860 में घाट के ढहने के बाद ये पिछली तरफ से बैठ गया और तब से ये टेढ़ा ही है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप एक ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जो 1499 में पैदा हुआ था और फिर 507 साल जीकर 2006 में उसकी मौत हुई? जी हाँ, 500 साल से भी ज्यादा उम्र के मिंग नाम के इस क्लैम को 2006 में वैज्ञानिकों ने आइसलैंड के पास समुद्र की तलहटी में खोजा था। लेकिन तब शायद उन्हें इस जीव की रिकॉर्ड ब्रेकिंग एज का अंदाजा नहीं होगा। पहले इसकी उम्र 405 साल आंकी गई थी, लेकिन फिर अब मौजूद एडवांस्ड मेथड से साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ये 507 साल का था जब 2006 में इसकी मौत हुई। इस जीव का नाम 15वीं सदी में इसके जन्म के समय दुनिया की एक बड़ी सल्तनत चीन की मिंग डायनेस्टी के नाम पर रखा गया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जमीन पर सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाला जीव अद्वैता नाम का एक जायंट टॉर्टोइस था जो सन 2006 में ही 255 साल जीकर मरा था। खैर आप कितना लंबा जीते हैं उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप कैसा जीते हैं, तो हमेशा क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों केरला में हथिनी की मौत ने हम सभी के अंदर के इंसानों को झंझोर के रख दिया था, लेकिन इंसानियत खत्म हो चुकी है ऐसा भी नहीं है। आज का ये वाक्या लेकर आया हूँ मैं तमिलनाडु की शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के पोथाकुड़ी गांव से, जहाँ के निवासियों ने पक्षियों के एक परिवार के लिए 35 दिन तक अपने गांव की स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलाई। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। हुआ क्या कि इस गांव में रहने वाले करप्पू नाम के एक लड़के के घर के पास ही गांव की स्ट्रीट लाइट्स का मेन स्विच मौजूद था। तो करप्पू रोज शाम अंधेरा होते ही इस स्विच से सभी लाइट्स ऑन कर देता था। लेकिन एक दिन करप्पू ने
जब उस स्विच बोर्ड में मैगपाई रॉबिन के 3 अंडों के साथ उसकी माँ को देखा तो उसने उसे छेड़ा नहीं, बल्कि अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर स्विच बोर्ड की फोटो पोस्ट कर दी। वो गांव वालों को कन्विंस करने लगा कि जब तक चिड़िया के अंडों से बच्चे नहीं निकल जाते वो स्विच बोर्ड ना छेड़े और गांव की स्ट्रीट लाइट्स बंद रखें। कुछ गांव वालों ने इसका विरोध किया, कहा कि क्या वो एक चिड़िया के लिए अंधेरे में रहें। लेकिन करप्पू के आर्ग्यूमेंट्स के आगे सबको झुकना पड़ा। उसने उनसे पूछा कि क्या उनके बचपन में दिखने वाले पक्षी अब दिखते हैं, जिसने गांव में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसानों ने कुदरत का क्या हाल किया है। इसके बाद 35 दिनों तक, जब तक चूजे अंडों में से नहीं निकल गए, पोथाकुड़ी गांव में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जली। फिर चूजे बड़े हुए और खुली हवा में उड़ गए। लेकिन इस वाक्य ने करप्पू को एक इंटरनेट सेंसेशन बना दिया और उसने अपने गांव के बच्चों को इस लॉकडाउन में एक ऐसा लेसन सिखा दिया जो शायद कोई इंटरनेट क्लास भी उन्हें ना सिखा पाती। खैर, मैंने तो बहुत सिखा दिया, अब सुनते हैं आपकी। वक्त हो चला है अब आपके योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें लिखा है शुभम सिंह ने। ये लिखते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल यामानाशी जापान में स्थित है और इसका नाम है निशियामा ऑनसेन क्यूनकन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये होटल 1300 से भी ज्यादा साल पुराना है और 705 एडी से ऑपरेशन में है। 2006 में जापान के रियल इस्टेट जायंट कोंगो गुमी लिमिटेड द्वारा खरीदे जाने से पहले ये एक ही परिवार के 52 पुश्तों द्वारा चलाया गया। 37 कमरों वाला ये हॉट स्प्रिंग होटल जापान के अकाइशी माउंटेन्स के फुटहिल्स में स्थित है। और अगर आप भी इन जापानी बंदरों की तरह कड़कड़ाती हुई ठंड में इन हॉट स्प्रिंग्स का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे कई नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स हैं जहां आप ये मजा ले सकते हैं। खैर, आज का हमारा ये सफर इतना ही था। अब मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए फैक्टिफाइंग एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सबसे जरूरी है कि खुश रहें, और अंत तक देखने वाले सभी व्यूअर्स का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।